हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशों के वर्गीकरण में जूट जो है किस स्थान पर आता है। तो रेशों के वर्गीकरण में जो है जूट प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक रेशों की श्रेणी के अंतर्गत हम इसको वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत रखते हैं, और वनस्पति जगत से जो है प्राप्त रेशों के अंतर्गत हम इसको तने से प्राप्त रेशे के अंतर्गत जो है स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जूट एक प्रकार का वानस्पतिक तंतु है जो तने से प्राप्त किया जाता है। जूट जो है, जूट के पौधे का नाम भारतीय शब्द जो है टाट से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है उलझा हुआ, अर्थात टाट का अर्थ है असमान रेशों से जो आपस में शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो जो है जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व में जो है 85% तक की जूट की आपूर्ति केवल बांग्लादेश करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, भारत में अगर हम बात करें कि भारत में कौन कौन से राज्य जो है जूट उत्पादन में प्रमुख हैं, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये चार राज्य। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये चार राज्य जो है जूट उत्पादन में जो है प्रमुख हैं। बांग्लादेश से प्राप्त जूट जो है उत्तम श्रेणी और उच्च कोटि का होता है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का जो है जूट उच्च श्रेणी या उत्तम क्वालिटी का होता है, तो बांग्लादेश से प्राप्त जूट। जूट के पौधों की लंबाई की बात करें तो 2.5 से 3 मीटर, मीटर में अगर पूछे तो 2.5 से 3 मीटर, और अगर फीट में पूछे तो 6 से 12 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। इसके रेशे जो है छूने पर चिकने परंतु जो है कड़कीले ब्रिटल होते हैं, उलझे हुए असमान होते हैं। यह रेशा मजबूत नहीं होता है जिस कारण जूट का प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जूट का प्रयोग वस्त्र निर्माण में क्यों नहीं किया जाता है, तो आपका जो है आंसर होगा कि जूट के जो है रेशा मजबूत नहीं होता है जिस कारण हम उसका प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं करते। वस्त्र निर्माण के लिए हम उन्हीं रेशों का प्रयोग करते हैं जिनमें मजबूती का गुण पाया जाता है। अब बात आती है कि जब वस्त्र निर्माण में जूट का प्रयोग नहीं होता है तो जूट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो बोरा, रस्सी, चटाई, सजावटी सामान, बैग इत्यादि बनाने के लिए हम जूट का प्रयोग करते हैं। आपने इको फ्रेंडली जो है हैंडक्राफ्ट देखे भी होंगे, जूट से बने हुए जूट के बैग। अब बात आती है कि जूट की खेती के लिए किस प्रकार का मौसम, किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जूट की खेती के लिए उष्ण एवं नम वातावरण अच्छा होता है, पानी की भी आवश्यकता होती है। अवधि की बात करें कि जूट की फसल की अवधि कितनी होती है, तो 1 वर्ष होती है। बुवाई की बात करें कि बुवाई कब की जाती है, तो फरवरी और मार्च के बीच में जो है जूट के फसल की बुवाई की जाती है। आगे पढ़ लेते हैं हम प्रोसेस, जूट के निर्माण की प्रक्रिया या जूट उत्पादन प्रक्रिया को हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कल्टीवेशन ऑफ जूट, मतलब जूट की खेती करना। तो खेती करना के अंतर्गत हम पहले जूट की बुवाई करेंगे जो कि फरवरी और मार्च के महीने में होगी। उसके बाद हम उसको उचित जलवायु और वातावरण भी जो है प्रदान करते हैं, जैसे कि उष्ण प्रसन्नम वातावरण और जल की आवश्यकता भी होती है। फिर जो है पौधा बड़ा होता है, उसके बाद जो है संपूर्ण पौधों में एक तना होता है जिसकी मोटाई अंगुली के बराबर होती है, और जब जूट के पौधों के फूल मुरझाने लगते हैं तब इसको जड़ के सहित उखाड़ लिया जाता है, और जो है गांठ बांध कर जो है यानी कि गट्ठर जो है इकट्ठे करके इनको धूप में सुखाया जाता है
जूट के तनों को। उसके बाद की प्रोसेस आती है रेटिंग के नाम से। रेटिंग को हम जो है गलाने की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत तने को तालाब में बांधकर डाल देते हैं, तब तक जो है तालाब में उसको हम पड़ा रहने देते हैं जब तक तने जो है सड़ ना जाएं तथा ऊतकों को जीवाणु जो है नष्ट ना कर दें। उसके बाद की प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो है पानी एवं तेल का प्रयोग करके तालाब से जो है तने के सड़ जाने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको रोलरों से गुजारा जाता है और उसके बाद उन पर जो है फिनिशिंग की जाती है, उनको जो है प्रयोग हेतु बनाने में। बिना फिनिशिंग के हम उन रेशों को प्रयोग में नहीं ला सकते, उन रेशों को प्रयोग हेतु जो है बनाने के लिए जो है उस पर फिनिशिंग की जो है प्रक्रिया की जाती है। आगे जो है जूट के बारे में कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछ सकता है। वैसे तो जूट के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, बट फिर भी जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाते हुए चलिए। जूट को गोल्डन फाइबर, सोने वाला रेशा, सुवर्ण रेशा कहते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, स्टार है कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं या सुवर्ण रेशा किसको कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। दूसरा है वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा कौन सा है, तो जूट है। आगे जूट पर ब्लीच का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसी कारण जो है यह सफ़ेद रंग का नहीं होता। आपने अगर जूट को देखा होगा तो हमेशा भूरे कलर का होता है, उस पर ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ब्लीच का प्रयोग करने से उसकी मजबूती और कम हो जाती है। सूक्ष्म जीवों का अधिक प्रभाव पड़ता है जूट पर। आगे बढ़ते हैं, भारत में जूट का प्रथम कारखाना कहाँ जो है शुरू किया गया था, तो 1859 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी ने बंगाल में खोला था। कब? 1859 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी ने कहाँ खोला था, तो बंगाल में खोला था जूट का प्रथम कारखाना। इससे पहले आपका पास पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो है आपको उस क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, तो अगर आपने वाली क्लास देखी है, आपको वो पॉइंट याद हो गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, फुल फॉर्म जो है आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ये एक जूट से संबंधित है इसीलिए IJIRA इसको जो है कहते हैं, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। तो ये रहा हमारा जूट का चैप्टर, इतना ही था, ज़्यादा जूट से नहीं पूछा जाता है। जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको इन जो है एक क्लास में करवा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम जो है ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।